अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अभी हम सोयल मीडिया तैयार कर लिए हैं। इसमें कोकोपीट, बलुई मिट्टी और काली मिट्टी और सड़े हुए गोबर की खाद और कुछ फंगस के इसमें केमिकल्स डाले हुए हैं। और अब इसको हम सोयल मीडिया तैयार कर लिए हैं। अब इसको अपने हम एक ग्रो बैग लिए हैं 12 इंच का, 12x12 इंच का। अब इसमें हम इसको डालेंगे, इसमें अभी हम इसको डाल रहे हैं। ये हमारा ग्रो बैग, इसमें केचुआ आ गया है, ये देखिए इसमें केचुआ आ गया। इसको हटा देंगे नहीं तो ये हमारे पेड़ को नुकसान देगा। ये ज़मीन के लिए बहुत बेहतरीन केचुआ की खाद होती है। और अब इसमें हम तैयार कर लिए हैं, हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से हमने, इधर दिखाइए किस तरह से हमने, देखो यहाँ पे काजू का पौधा अपने हाथ से ग्रो किया हुआ है। ये देखिए, इसको जूम करके ज़रा दिखाइए, ये देखिए कितना शानदार हमारा काजू यहाँ पे ग्रो हुआ है। अब इसको हम लगा रहे हैं, अब इसको हम इसी में ऐसे ऐड कर देंगे, इसी में हम ऐड कर देंगे। अब इसके ऊपर से हम थोड़ा सी मिट्टी और डाल देंगे, जो मिट्टी हम तैयार कर रखे हैं। ये हमारा काजू का पौधा अब लगभग 20 से 25 दिन में इसमें से ग्रो करने लगेगा। इसको हमें ऊपर से नहीं दाबना है, ऐसे हल्का सा बारीकी से करना है ताकि इसमें मॉइस्चर बना रहे। अभी हम इसमें हल्का सा पानी का छिड़काव करेंगे, अभी बच्चे गए हैं लाने स्प्रे। और देखिए इसी तरह हमने इसमें भी और एक पेड़, एक पौधा हमने और इसमें भी लगा रखा है। इसमें 3 पेड़ हैं, इसमें 2 पेड़ हैं। अब जर्मिनेट काफ़ी अच्छी तरीके से ये हो चुके हैं। अब ये हम आपको कुछ दिन बाद आपको इसका रिजल्ट दिखाएंगे जब ये ग्रो करेगा और काफ़ी हेल्दी पौधा निकलेगा। काफ़ी हेल्दी हेल्दी हमने काजू का पौधा यहाँ पे लगाया है और उसको अपने हाथों से इसी के अंडे के खोल के माध्यम से हमने इसको जर्मिनेट किया था पौधा घर पे ही। उसके बाद हम जाके इसमें लगाया। और हमारे दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे यूट्यूब चैनल कयूम 786 ब्लॉग है और हमारे यूट्यूब, हमारे फेसबुक को फॉलो भी करें और इंस्टाग्राम को भी हमारे फॉलो करें। थैंक यू दोस्तों।